भारत के पॉपुलर बिजनेसमैन मुकेश और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी की धूम देश ही नहीं दुनिया भर में देखी जा सकती है। 12 जुलाई को हुई इस शाही शादी में देश विदेश के कई बड़े राजनेता और सेलिब्रिटीज ने हिस्सा लिया। राधिका और अनंत की लव स्टोरी के बारे में तो आप सभी ने सुन रखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीता अंबानी और मुकेश अंबानी की शादी कैसे हुई थी? नीता अंबानी ने मुकेश अंबानी से शादी के लिए एक शर्त रखी थी। क्या थी वो शर्त और धीरूभाई अंबानी क्यों सिर्फ नीता को ही अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दरअसल मुकेश और नीता अक्सर मिला करते थे और इस तरह मुकेश को नीता से प्यार हो गया। एक दिन मुकेश अंबानी ने नीता से कहा, मुझसे शादी करोगी, हाँ या ना, अभी जवाब दो। मुकेश ने नीता को एक कार में प्रपोज किया था। मुकेश अंबानी ने जब नीता से ये सवाल किया तो जवाब में नीता ने कहा, हाँ करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। और शर्त ये थी कि नीता शादी के बाद भी काम करना चाहती थी। बता दें कि दोनों की मुलाकात करवाने वाले कोई और नहीं बल्कि मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी थे। दरअसल नीता एक ट्रेन डांसर थी और धीरूभाई ने नीता को एक प्रोग्राम में क्लासिकल डांस की परफॉर्मेंस देते हुए देखा था। धीरूभाई नीता से काफ़ी इंप्रेस हुए और मन ही मन उन्होंने सोच लिया था कि ये लड़की अंबानी परिवार की बहू बननी ही चाहिए। प्रोग्राम को कुछ दिन बीत गए थे, धीरूभाई ने नीता के घर कॉल किया और उन्हें अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया। धीरूभाई अंबानी एक बड़े बिजनेसमैन थे और उनके ऑफिस से नीता के लिए बुलावा आना एक बड़ी बात थी। नीता हैरान थी कि आखिर धीरूभाई ने उन्हें ऑफिस में क्यों बुलाया है। नीता को लगा कि शायद वो अपने ऑफिस में कोई नौकरी देना चाहते थे, मगर जब नीता आई तो धीरूभाई ने उनसे कहा कि क्या तुम मेरे बड़े बेटे मुकेश अंबानी से मिलना चाहोगी। इसके बाद नीता और मुकेश की पहली मुलाकात। धीरूभाई ने नीता को बता दिया था कि वो उन्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। नीता जब मुकेश से मिली तो उन्हें मुकेश का हम्बल नेचर बेहद पसंद आया, लेकिन वो शादी के लिए श्योर नहीं थी। वहीं मुकेश तो पहली ही मुलाकात में नीता को पसंद करने लगे थे। एक इंटरव्यू में मुकेश अंबानी ने कहा था कि नीता वो पहली लड़की थी जिससे मिलने के बाद मैंने तय कर लिया था कि यही मेरी लाइफ पार्टनर बनने वाली। नीता और मुकेश अक्सर मिला करते थे और मुकेश उनसे शादी के लिए कई बार पूछ चुके थे। मुकेश ने नीता की शर्त मानी और साल 1985 को मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की शादी हो गई। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के 3 बच्चे हुए, आकाश, ईशा और अनंत अंबानी। बता दें कि मुकेश और नीता के अब 3 बच्चों की शादी हो चुकी है। तो देखा आपने कैसे धीरूभाई अंबानी ने मुकेश के लिए नीता को पसंद किया और कैसे नीता की शर्त मानकर मुकेश अंबानी ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लिया। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम और एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।